हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहंदी आर्टिस्टिका नेहा। और आज का मेरा वीडियो ब्राइडल मेहंदी पर बेस्ड है। फ्रंट हैंड की ब्राइडल मेहंदी को बैक हैंड से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, आज इसमें बात करेंगे। तो फ्रंट हैंड पर मेहंदी मैंने एक दिन पहले ही लगा दिया था, उसके नेक्स्ट डे मैंने ब्राइड के दूसरे हाथ पर मेहंदी लगाई। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट हैंड की मेहंदी हमारी हट चुकी है और ये एक दिन पहले हमने लगाई थी मेहंदी। तो अब बैक हैंड से किस तरीके से जो है कनेक्ट करें फ्रंट हैंड की मेहंदी को, तो उसके लिए एक्चुअली हमें सही से रखना होता है हाथ को, किस तरीके से हम किस पोजीशन में ब्राइड को बैठाएंगे और किस तरीके से हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी मेहंदी के डिज़ाइन को। ठीक है, यहाँ देख सकते हो फ्रंट में मैंने पीकॉक वर्क किया है ऊपर की साइड और नीचे भी पीकॉक और बीच में कुछ फिलअप टाइप का जो है वर्क किया है और रिवर्स वर्क किया। तो ब्राइड को हम इस तरीके से आराम से बैठाएंगे ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। उसके पीछे हम पिलो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इतने पिलो, इसलिए मैंने उनको जो टेबल है उससे सपोर्ट दिया है और उनके हाथ को सपोर्ट देने के लिए कुछ पिलो मैंने उनके हाथ के नीचे कुशन लगाए हैं। और इस तरीके से हम ब्राइड के हैंड को सपोर्ट देंगे। अब आप एक चीज़ देख सकते हो, मैंने ब्राइड का हाथ जो है थोड़ा सा मोड़ा हुआ है। आप देखो इस तरीके से हम ब्राइड के हैंड को मोड़ेंगे। ये देखिए नीचे की साइड से आपको पता चल रहा होगा कि ब्राइड का हाथ मुड़ रखा है, वो इसलिए ताकि हम जो है फ्रंट, हमें पता चले कि हमने जो फ्रंट में एंड किया है दोनों साइड से मेहंदी, तो हमें दिख सके कि वो कहाँ तक लगी है, तभी तो हम बैक से उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ब्राइड के हाथ को रखोगे और उनके हाथ को ऊपर ऊपर हवा में नहीं रखना है, उनके हाथ के नीचे जस्ट ये जो हमारा एल्बो वाला पोर्शन है वहाँ तक, हमारा ऊपर तक जो है क्या रखा होना चाहिए, पिलो रखा होना चाहिए ताकि उनका हाथ दर्द ना करे। ठीक है, और इसी तरीके से जो है हाथ को मोड़कर आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। और मिडल जो हमारी ये जो रिंग फिंगर और मिडल फिंगर होती है उनके बीच से हम जो है सेंटर लाइन लेते हैं अपने डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी अगर आपको कुछ वी टाइप का डिज़ाइन करना है, जो भी आप, अब आप देख सकते हो मैंने जो फ्रंट की जो एंड लाइन है उसको बैक की लाइन से किस तरीके से कनेक्ट किया है। इस तरीके से मैंने कुछ फ्लोरल वर्क लिया है और साइड से इस तरीके से लाइन से फ्रंट के डिज़ाइन को बैक के डिज़ाइन से कनेक्ट किया है। सेम इसी तरीके से आप भी अपने डिज़ाइन को कनेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी तरीके के फ्लोरल वर्क ले सकते हो या फिर आपका राउंड वर्क में कुछ लेना है या जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेम पोर्शन में हम जो है सेक्शन वाइज हम फिलअप या चेक्स वगैरह या जो भी आपको पीकॉक वर्क कुछ भी आपको करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो अगर गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।